नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झंझारपुर लौखा रेलखंड पर इसी महीने के अंत तक ट्रेन चलाने की तैयारी है और जिसकी तैयारी नज़र भी आ रही है, तैयारी शुरू कर दी है रेलवे ने। आप यहां पर देख सकते हैं काम जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। जो भी बचे खुचे काम है उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है। आप ये खटौना का दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर एक माल ट्रेन तो यहाँ पर आई है गिट्टी वगैरह लेकर, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं चारों ओर जो है वो शेड लगाने का काम या फिर जो भी बचे खुचे काम है, चाहे फिर वो लाइटिंग का काम हो या फिर जो भी काम हो, वो सारे काम जो है चलता हुआ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि काम की गति क्या है और इस महीने के अंत तक इस रेलखंड पर ट्रेन दौड़ा दी जाएगी, जैसा कि समस्तीपुर के DRM ने कहा है। तो उसकी तैयारी नज़र भी आ रही है और दरभंगा से झंझारपुर के बीच चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन है उसी का एक्सटेंड करके, उसी ट्रेन का नंबर बदल करके उसी ट्रेन को लौखा बाज़ार तक ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वाचस्पति नगर तक CRS हो चुका है, 3-4 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वाचस्पति नगर तक उसी ट्रेन को ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से लौखा बाज़ार। तो ये तैयारी जो है वो नज़र आ रही है और तैयारी में पूरी तरीके से रेलवे जो है वो जुटा हुआ है। साथ ही लगातार हर अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ये वीडियो हम आपको बिरजू ठाकुर की सौजन्य से पहुंचा रहे हैं। ये आप खटौना रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो चल ही रहा है, साथ में शेड का जो काम है, जो आधा अधूरा काम है, उसको पूरा किया जा रहा है और माल ट्रेन जो है वो आगे गिट्टी वगैरह लेकर जा रही है ट्रैक के किनारे देने के लिए। ये सारी तस्वीरें आपको हम दिखाते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से जो जहाँ से भी हमसे बन पड़ता है वहाँ से हम वीडियो मंगा करके आप सभी को दिखाते हैं, सारा अपडेट जो आप सभी को बताते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नए नए अपडेट पाने के लिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। साथ ही आप हमें अगर वीडियो भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें किसी भी जगह का वीडियो भेज सकते हैं, खबर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम अपने चैनल पर आपके वीडियो को चलाएंगे और वो ताज़ा अपडेट जो वो दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो हम आपको खटौना से दिखा रहे थे जो हम तक बिरजू ठाकुर ने पहुंचाया था और लगातार इस पर नज़र जो है वो बनी हुई है। बिरजू ठाकुर लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये खटौना की तस्वीर आपने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।